नमस्कार, हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। मैं मैम आपसे जानना चाहूंगा, आज रिजल्ट का कैसा आपका रहा? बहुत ही उमंग से भरा हुआ दिन, बहुत ज्यादा। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि जो पैर हैं वो धरती पर रहे नहीं रहे, वो बोलते कि उछल कूदी हो रही है एक किस्म की। क्योंकि वैसे तो हम पहले से ही आश्वस्त थे, एग्जिट पोल ने ही हमें इतना ज्यादा एक एक्साइटमेंट, सबको ही, सिर्फ हमें ही नहीं, सबको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दे दी थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, और वही हुआ। कहते सोने पे सुहागा कि एग्जिट पोल तो बहुत ही पीछे रह गया, लेकिन मोदी जी ने जो बाजी मारी है उसका कोई भी जवाब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मोदी जी की लहर जो है 2019 इलेक्शन पे बेकरार है। मेरे साथ और भी सब जुड़ चुके हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे मोदी जी की इस जीत पे? मोदी की जीत जो हुई है बहुत उत्साहित है, इससे इनके जो पिछले काम किए हुए हैं उनका ये रिजल्ट है, और लोग उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आगे भी यही काम करेंगे। तो आपको सर जीत की खुशी किस तरह आप बेकरार करोगे आज? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम हमारे जो है बूथ स्तर पर, गाँव स्तर पर लड्डू बांट के आए हैं, खेड़े भी मत्था टेक के, और यहाँ पर बधाई देने आए हैं। तो आप देख रहे हैं आज बहुत ही जनता में हर्ष उल्लास के साथ एक खुशी मनाई जा रही है मोदी जी की जीत पे। मैम कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। एक्चुअली हम लोगों ने बूथ, हमारी जो बीजेपी की रणनीति है बूथ स्तर पर जाके एक एक जो हमारे वोटर्स हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना, उनको अपनी बातों से कन्विंस करना, ये सब कार्यक्रम बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो हर एक कार्यकर्ता ने अपने बूथ पे जाके अपने एक एक पन्ना, प्रमुख ने एक एक पन्ने पे जितनी भी वोटर्स हैं सबके साथ बात करके इतनी मेहनत की है कि ये रिजल्ट तो आना ही था। बिल्कुल 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 बेकरार, ये रिजल्ट तो आना ही था। जी मैम, आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, बीजेपी का हर कार्यकर्ता बहुत खुश है, बहुत खुश है। सुबह से लगे हुए हैं, पूरा जश्न का माहौल है, और किसी को कोई भूख प्यास नहीं है, सारे इतने खुश हैं, मतलब कोई खुशी का ठिकाना नहीं है किसी का भी। अगर देखा जाए तो सारी मेहनत मोदी जी की, पूरी पार्टी की, सारे कार्यकर्ताओं का। क्वेश्चन जश्न का नहीं है, क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश की जनता ने हमें दी है, सिर्फ आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, कल से हम फिर देश की सेवा में लग जाएंगे। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी विन, इट्स अ ग्रेट विन, इट्स नॉट अ विन ओनली फॉर द बीजेपी कार्यकर्ता। ये जीत सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये जीत उस हर व्यक्ति के लिए है, हर उस किसान के लिए है, हर उस गरीब के लिए है जो आगे बढ़ेगा। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे कि विपक्षी दल आपके अभी लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है बीजेपी की तरफ, इस पे आप क्या टिप्पणी देना चाहोगे? अगर ईवीएम हैक करने का कोई मुद्दा होता तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, वो एक सीट से हार रहे हैं और एक सीट से जीत रहे हैं। जहां से वो हार रहे हैं वहां की ईवीएम खराब हो गई है, और जहां से वो जीत रहे हैं वहां की ईवीएम ठीक है, ये दोगलापन नहीं हो सकता। मुझे तो अपने दिल की बात कहनी चाहिए, कांग्रेस ने मेरे दिल को चोट किए, कांग्रेस ने मेरे दिल पे चोट किए हैं। हमने अकलमंदी की के बीजेपी ज्वाइन किए हैं। भले मोदी जी मुझे कुछ ना दे, लेकिन कम से कम मुझे जोश तो दिए हैं, ईमानदारी तो दिए हैं, वफादारी तो दिए हैं, और चौकीदारी तो दिए हैं।